Hey guys, welcome back to my channel. So, सबसे पहले guys, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. नीचे जो लाल बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. आज की रेसिपी है बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी. आज मैं आपको एक बहुत ही इजी पैनकेक बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है और बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है. तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं. ग्लूटेन फ्री पैनकेक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला और हल्दी पाउडर. यहाँ मैंने कटा हुआ एक प्याज लिया है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च. हींग डालेंगे इसमें हम चुटकी भर. तो सबसे पहले हम बेसन का पेस्ट बना लेंगे. मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और हींग डाल देंगे हम इसमें चुटकी भर. पानी डालेंगे इसमें हम आवश्यकता अनुसार. पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे. एक साथ पानी नहीं डालें, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और जो पेस्ट है वो स्मूथ नहीं बनेगा. पहले आप इस तरीके से थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करिए और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे. बेसिकली हमें जो डोसा की जो बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वैसा हमें ये बैटर चाहिए. अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे. बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसको. अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे. सो गाइस, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए. अब हम पैनकेक्स बनाएंगे तो इसके लिए मैंने डोसा तवा को गर्म कर दिया है और इसको हम एक बार ही ग्रीस कर लेंगे. अब हम इसमें छोटे छोटे पैनकेक्स बनाएंगे. स्पून की सहायता से इस तरीके से आप तवे पे जो बैटर हमने रेडी किया है वो डाल दें. गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है. बैटर डालने के बाद अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे इनके ऊपर. सबसे पहले प्याज, आप चाहें तो इसमें कैरेट यूज़ कर सकते हैं, बीट रूट यूज़ कर सकते हैं, कैबेज यूज़ कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं. टमेटोज डाल देंगे. लास्ट में हम इस पर डाल देंगे ग्रीन चिली. अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं. अब हम इन पे थोड़ा थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा हम इन पे डाल देंगे चाट मसाला, जिससे जो इसका टेस्ट है वो चटपटा हो जाएगा. सहायता से इनको आप इस तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो सेट हो जाए.
लगभग 2 से 3 मिनट बाद इनको हम टर्न कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। सिर्फ अब वेजिटेबल्स को हम एक बार ही थोड़ा सा स्मोक्ड इफेक्ट देने के लिए टर्न कर देंगे और इनको सेक लेंगे। लगभग 20 से 30 सेकंड इसको आप सेक दीजिए और फिर से हम इनको टर्न कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं या आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इनको इस तरीके से सेक लीजिए। सो गाइस, हमारे जो पैनकेक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। फटाफट से इनको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसी तरीके से ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।